ये भी एक नौ बयाता जोड़ा है जो इस वक्त आज मेरे शो पे मौजूद है. इनकी आपने बहुत ही खूबसूरत छोटी वीडियोस, प्यारी प्यारी पिक्चर्स शादी की देखी होंगी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है. आज इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं ये कहाँ मिले, ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्योंकि हमें तो कुछ बताया नहीं गया. इतनी दफा मेरे शो पे आई लेकिन कोई हिंट भी नहीं दी. तो आइए, सारी हिंट्स खत्म हो चुकी हैं, अब माशाल्लाह ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनकी कहानी सुनने के लिए इनको बुलाना पड़ेगा. तो आइए मिलवाते हैं आपको इस नौ ब्याता जोड़े से, मरियम नूर विद हस्बैंड इस्माइल शाहिद. अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बहुत मुबारक, बहुत मुबारक. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. मैंने सुना है कि हमारे जो दुल्हा भाई हैं बड़े शाही हैं वो, है ना? लेट्स सी. और किसी ने अभी तक, प्लीज बैठे, किसी ने अभी तक आप लोगों का इंटरव्यू भी नहीं सुना, आपकी कहानी भी नहीं सुनी कि ये दोनों कहाँ मिले. मेरी जुबानी तो सुनी होगी थोड़ी बहुत, इनकी जुबानी आज जरा डिफरेंट सा वो निकलेगा. इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे आज, मैं भी सुनूंगी इनका पॉइंट ऑफ व्यू. बता क्या, मरियम तो मेरे शो पे आती रहती थी कुछ प्रोग्राम्स में, लेकिन कभी इसने हिंट भी नहीं दी कि ऐसे हो रहा है, मेरी शादी होने वाली है या अनकरीब कोई ऐसा दिन आने वाला है. और एकदम हम देखते हैं कि वाओ, ये तो मरियम की शादी हो गई. नहीं, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल थी. अच्छा, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल थी. अच्छा, वी नो ईच अदर सिंस 2017. अच्छा, माशाल्लाह, छुपी रुस्तम. हां जी, बिल्कुल. लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपको फॉर श्योर थिंग्स नहीं हो जाती कि अब ऐसा हो रहा है, तो हम कैसे आप पहले इतना ज्यादा वो कर सकते हैं अनाउंस के वाओ ये होने जा रहा है. एक तो हम पाकिस्तानियों को नजरें भी बहुत लग जाती है. ये आप बात सही कह रहे हैं. बहुत अच्छा किया कि जब बिल्कुल जब होने लगी तो ही पब्लिक को पता चला, क्योंकि सारे पब्लिक फिगर है ये, एक तो छुपाना भी होता है. ऑब्वियसली आपके इर्द-गिर्द के जो करीबी दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली होता है, होती है, उनको तो पता होता है, बट पब्लिकली अनाउंस सबको हमारी एंगेजमेंट के टाइम पे ही जाके ज्यादातर पता चला. तो क्या कहती हो, मरियम किस नाम से पुकारती हो? इस्माइल कहती हो? कोई निक वगैरह नहीं है? नहीं, नूर के नाम से मैं इनको बुलाता हूँ, क्योंकि मेरी बहन का नाम भी मरियम है. अच्छा, तो घर पे कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी. नूर के नाम से हम इनको घर पे बुलाते हैं. अच्छा, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक हो गया कि मरियम 1 मरियम 2. बिल्कुल. हाँ, वो कभी कभार आवाज, मैं अक्सर कहती हूँ दो, एक ही मरियम वो बोल रहे होते हैं आवाज, लेकिन मुझे पता चल जाता है ये मैं मरियम नहीं, ये वो वाली मरियम है. क्योंकि जो आपकी घर की मरियम होती है, जो ऑब्वियसली मैं नई नई बहू हूँ, तो उसको तो गुस्से से भी आवाज दे देते हैं. हाँ. मुझे आराम से आवाज देते, तो मुझे पता चल जाता है ये मेरे वाला मरियम आएगा.